अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम बैक। तुम्हारे बगैर घर में कोई रौनक नहीं थी। मैंने इतनी दफा सिप्ते को कहा था कि तुम्हें वापस ले आए, लेकिन नापा की नहीं सुनी ना, और अब सरप्राइज कर दिया। अच्छी सरप्राइज है। आओ बैठो बेटा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी मरियम? मैं ठीक हूँ। देखो मरियम, अब बिल्कुल मनमानी नहीं करनी, ठीक है? मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, लेकिन तुमने मेरी बात सुननी है, ताकि बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओ और हमें फिर से खुशखबरी मिले। इंशाल्लाह। आप ही, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ फिर। क्यों, अभी तो आए हो, थोड़ी देर तो बैठो। आप ही, मैं क्या करूँ, रास्ते में से बहुत कॉल्स आ रही है, मुझे जाना होगा, अटेंड करना है कुछ काम है। अच्छा हाँ, फिर ठीक है, तुम जाओ। और बिल्कुल फिक्र ना करो मरियम की, मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगी इसका। जी आप ही, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आप ही, मैं भी रूम में जाऊं, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाह रही थी। हाँ बिल्कुल, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, यखनी लेकर आती हूँ मैं। हाँ आप ही, ये इन दोनों के बीच में सब नॉर्मल नहीं लग रहा क्या? क्या सोच रही हो? पे जाहिर सी बात है, बेबी के बारे में सोच रही होगी। मैंने भी तीन बच्चों को मां बन के पाला है, उनकी तकलीफ मां को बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए तुम सोच भी नहीं सकती कि जो जिस तकलीफ से सिप्ते गुजरा है, मैंने कैसे बर्दाश्त की। आप ही, कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, मुझे नहीं पता कि मेरी मेडिसिन किस तरह से बदल गई। क्या कहना चाह रही हो? इस घर में किसी ने तुम्हारे खिलाफ साजिश की? हम पे इल्जाम लगा रही हो तुम? नहीं आप ही, मेरा वो मतलब नहीं है, तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि वही मेडिसिन ले रही थी जो डॉक्टर ने मुझे दी थी, पता नहीं कैसे ये सब। खैर मरियम, जो होना था हो गया, तो हम थे बर्दाश्त कर लिया, कोई और होता तो तुम्हें अंदाजा नहीं कि हमें कितनी बातें सुनने को मिली हैं। तुम तो चली गई थी अपने घर, हमने देखा कि सिप्ते किस तरह से तड़प रहा था अपनी औलाद के लिए। अब तुम्हारी एक ही जिम्मेदारी है, सिप्ते को खुश रखना है। यकीनन तुम्हारी अम्मा और दादी ने लेक्चर देकर भेजा होगा। जी। तो ये बात पल्लू से बांध लो, तुमने सिर्फ और सिर्फ सिप्ते को खुश रखना है,
क्योंकि मर्द के दिल में अगर एक बार बात आ जाए ना, बहुत मुश्किल से निकलती है। समझ आ रही है तुम्हें? मैं कोशिश करूंगी। Yes. Yes. फरहान साहब तो मुझे कह रहे थे कि चेक घर पे जाके साइन करवा लेना, लेकिन मैं उनको क्लियर बोल दिया कि मैं आपका वेट करूंगा, यहीं पे चेक साइन करवाऊंगा। इतने इंपॉर्टेंट चेक्स थे सप्तहन भाई, खराब भी यही प्रेफर करते हैं कि ऑफिस का काम करना चाहे। बिल्कुल अच्छी बात है। मैं ही नहीं, सब ये समझते हैं कि तुमने बहुत जल्दी, बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे से अपने काम को संभाल लिया। ला एक सत्यन भाई, ये कुछ चेक्स हैं। इसमें से ना कुछ चेक्स कंपनीज के हैं, कुछ वेंडर्स के। ओके सत्यन भाई, एक बार जरा देख तो ले। अरे देखना वहां होता है जहां भरोसा ना हो, और तुमने तो मेरा ही नहीं हम सबका भरोसा बहुत जल्दी जीत लिया। आई विश के सत्यन भाई, जिस तरह आप मुझ पर भरोसा करने लगे, अनम भी करती मुझ पर भरोसा ऐसे, लेकिन मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहां। मैं तो बदनसीब शौहर और भाई हूं जो इन दोनों को खुशियां भी नहीं दे सका। मैं समझा रही, तुम क्या कह रहे हो बताओ मुझे। सत्यन भाई, मैं नौशीन को लेकर बहुत परेशान। मैंने अपने घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती उसे। कहाँ लेके जाओ अपनी बहन को, एक वाहिद सहारा हूं उसका। नहीं, आप भी अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, आप भी बहनों वाले हैं। नौशीन, काफ़ी टैलेंटेड है तुम्हारी बहन, तुम उसको कोई नया काम, कोई बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करवा के देते है? वो बिजी भी हो जाएगी और अनम के लिए भी ठीक रहेगा मेरे ख्याल। कैसा काम? मेरे ख्याल शी इज़ अ ब्यूटिशियन ना, तो उसके लिए कोई अच्छी जगह देखो सैलून के लिए। आई विल सपोर्ट यू। सत्यन भाई, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? हाँ यार, ऐसा क्यों नहीं हो सकता बताओ। थैंक यू सत्यन भाई, थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम, ये लो। एनीथिंग एल्स? इट मीन्स अ लॉट, थैंक यू सर।